जॉब से रिगार्डिंग वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ ऑल नोटिफिकेशन को प्रेस करें अपने मोबाइल पर लेटेस्ट जॉब पाने के लिए। हेलो दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सभी सही होंगे और मैं भी सही हूँ। आज जो हम बात करेंगे, काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन मैं आपके सामने शेयर करने वाला हूँ और इसमें मैं आपको पूरी चीज़ बताने वाला हूँ, क्योंकि काफ़ी सारे भाइयों ने मुझसे मालूम किया था कि जो सबूती का काम है वो किस तरह से किया जाता है और किस तरह से आगे चलता है और हम उसको किसी तरह से चेक कर सकते हैं और हमें कैसे मालूम पड़ेगा कि हमारा काम सही हो रहा है या गलत हो रहा है। तो उसके बारे में मैं थोड़ी चीज़ें आपको बताने वाला हूँ। अगर आप जानना चाहते हैं उस चीज़ के बारे में तो आप ज़रूर इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाए और आप अपने काम कहीं से भी कराएं, किसी भी एजेंसी से आप अपना काम कराएं तो आपको मालूम हो सके कि आपका काम किस तरह से हो रहा है, लीगल हो रहा है या अनलीगल हो रहा है। तो वो सारी चीज़ मैं इस वीडियो के अंदर कवर करने वाला हूँ। इंशाल्लाह मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के अंदर देने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि मैं अपने चैनल पर जॉब से रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूँ और जॉब के रिगार्डिंग कुछ लोग कुछ जो है जॉब के रिगार्डिंग मैं आपको चीज़ें बताता रहता हूँ। तो और साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि इन फ्यूचर जब भी मैं जॉब से रिगार्डिंग वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप तुरंत उसका लाभ ले पाएँ। तो चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, इसमें मैं कुछ पॉइंट मैंने कवर किए हैं जो कि मैं आपको सारी चीज़ बताने वाला हूँ कि किस तरह से आपको उन चीज़ों को देखना है। अगर आपका काम हो रहा है तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि आपका काम सही हो रहा है या गलत हो रहा है। और मैंने एक वीडियो बनाया था कल, और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसमें मैंने जॉब के लिए इन्फॉर्मेशन दी है और वो 30 तारीख को इंटरव्यू है। अगर आप इंटरव्यू में आना चाहते हैं और आप जॉब तलाश कर रहे हैं तो ज़रूर नीचे जाएँ डिस्क्रिप्शन में और उस वीडियो को देखें और उसमें अप्लाई कर सकते हैं। थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ उसमें क्या क्या पोस्ट है। उसमें जो है कैशियर की पोस्ट है, बरिस्ता की पोस्ट है और सैंडविच मेकर की है और लेबर की है। ये सारी कैटेगरी हैं उसके अंदर। और सऊदी अरब का इंटरव्यू है और सैलरी भी काफ़ी अच्छी उसमें लगी है। 2000 से 3500 रियाल के बीच में सैलरी लोगों की लगी है उसमें। तो आप ज़रूर इस वीडियो को पूरा देखें और उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। और 30 तारीख को इंटरव्यू है, 30 नवंबर को, तो आप उसमें आके अप्लाई कर सकते हैं, इंटरव्यू दे सकते हैं और जो जो कंडीशन मैंने आपको बताई है उस वीडियो में तो उसको फॉलो करें, तभी आप उसमें आ सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं कि आपका कहीं का भी काम हो रहा हो। मैं बात करूँगा सिर्फ सऊदी अरब के बारे में कि आपको सऊदी अरब का कैसे मालूम पड़ेगा कि आपका काम सही हो रहा है या गलत हो रहा है। तो कहीं से भी आप काम कराएं तो सबसे पहले तो आपका सिलेक्शन होना ज़रूरी है। किसी भी काम में आप अप्लाई करते हैं तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स भेजें या डायरेक्टली ऑफिस जाएं तो आपका सिलेक्शन होता है। सिलेक्शन होने के बाद में क्या होता है, आपका पासपोर्ट जमा कर लिया, उसके बाद में जैसे ही सिलेक्शन होगा तो मूफा आपका रेडी हो जाता है। मूफा नंबर होता है तो वो आपका रेडी हो जाता है। जब मेडिकल आपका होता है तो मेडिकल होने के बाद में मूफा नंबर देख के वो मेडिकल अपडेट करा के मेडिकल उठा देते हैं। उसके बाद में जब आपका मूफा नंबर आपको देंगे कि भाई हमने मूफा करा लिया तो आप उसको ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। बहुत सारे वीडियो हैं जो कि आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं आपका मूफा आप बना के नहीं बना, वो सारी चीज़ आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। उसके बाद में मूफा जैसे ही हो जाता है उसके बाद में तुरंत आपका ज़्यादा टाइम नहीं लगता। अगर काम आपका जल्दी हो रहा है और काम कराने वाला बंदा सही है आपका तो 5 से 10 दिन के अंदर वीज़ा स्टैम्पिंग हो जाता है। अगर काम डिले चल रहा है आपका तो महीने भी लगा देते हैं उसमें, काम में 15 दिन भी लगा देते हैं। लेकिन मूफा आप चेक कर लें, अगर आप का मूफा अपडेट हुआ है, नेट पर शो कर रहा है और वेबसाइट पर जाएंगे तो वो सारी चीज़ आपको क्लियर हो जाएगी। उसके बाद में जैसे वीज़ा आपका बोलेंगे कि भाई वीज़ा के लिए आप अपना पासपोर्ट छोड़िए यहाँ पे और वो सारी चीज़ छोड़िए, तो वीज़ा भी आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। उसकी भी मैंने एक वीडियो बनाई है, अगर वो नहीं देखी हो तो उसका भी नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो वो वीडियो भी आप देख सकते हैं कि आपका वीज़ा किस तरह से चेक करेंगे अगर ऑनलाइन आपका वीज़ा हो गया, स्टैम्पिंग हो गया है तो। तो पहला स्टेप है कि आपका मेडिकल हुआ, मेडिकल के बाद में तुरंत आपका मूफा आपको मिल जाएगा 1-2 दिन के अंदर। और बहुत सारी कंडीशन ऐसी होती है कि मेडिकल तभी होता है जब मूफा नंबर आपको मिल जाता है। बहुत सारी जगह पे पहले ही करा देते हैं, मूफा देख के फिर मेडिकल उठा लेते हैं, ठीक है। ये पहला पॉइंट ये है। दूसरा है आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। और अब बात करते हैं, मैं जब आपसे बोले आपका एजेंट या कोई भी कि भाई आपका वीज़ा लग चुका है तो आप उसको ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं वेबसाइट पर जाकर,
ठीक है, वो मैंने बताया हुआ है नीचे किस तरह से आप चेक करेंगे, तो वहाँ से आप बिल्कुल अच्छे से चेक कर सकते हैं और आप जान सकते हैं कि भाई हाँ मेरा वीज़ा लीगल है या अनलीगल है। अगर आपका शो करे वहाँ पे तो आपका काम बिल्कुल सही तरीके से हो रहा है, लीगल तरीके से हो रहा है। अगर शो नहीं करता किसी भी कारण तो आपका काम बिल्कुल गलत हो रहा है, तो उससे बिल्कुल सावधान रहें। तो ये तरीका था, उसके बाद में स्टैम्पिंग हो गया, ऑनलाइन हो गया, तो काम पूरा कंप्लीट। और उसके बाद में इमिग्रेशन वगैरह का वो काम करा देते हैं, और उसके बाद में टिकट लगता है बंदे का, और टिकट लगने के बाद में वो चला जाता। तो ये सऊदी अरब का काम का जो है प्रोग्रेस चलता है, इस तरह से वो काम होता है। अगर कोई भी कैंडिडेट इसमें सऊदी अरब में जाना चाहता है, तो ये सिर्फ उसका मेन फोकस रहना चाहिए मुफा हो गया। मुफा तो कोई भी करा देता, मुफा का इतना कोई रूल नहीं है। लेकिन उसके बाद में जब वीज़ा होता, मेन चीज़ उसका वीज़ा है, क्योंकि बहुत सारे बंदों का मुफ़ा लगने के बाद भी वीज़ा नहीं लगता है, तो ये चीज़ भी है, ठीक है ना, उस चीज़ का भी ध्यान रखें। अगर आपका एजेंट आपका जो काम करा रहा है वो ठीक ठाक है, तो मुफ़ा कराने के बाद में तुरंत इंशाल्लाह 10 से 15 दिन के अंदर वीज़ा लगवा देगा, ठीक है। अगर वीज़ा नहीं लगता, अगर आपको 1 महीना 2 महीने टलाता, तो समझ लेना कि आपका काम नहीं होने वाला है। अगर 1 महीने से ऊपर निकलेगा तो समझ लेना आपका काम नहीं होगा, खाली मुफा शो कर रहा लेकिन उसको वीज़ा स्टैम्पिंग नहीं होगा। क्योंकि बहुत सारे कंडीशन में ऐसा भी होता कि मुफा लग जाता है लेकिन उसके बाद में वीज़ा स्टैम्पिंग नहीं होता। तो इन चीज़ को आप खास करके ध्यान रखें, अगर कोई भी कैंडिडेट अप्लाई करना चाहता है तो अपने ऑनलाइन भी चेक कर सकता। तो ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी सारे लोगों ने मुझसे पूछी थी, मैंने सोचा कि आप लोगों तक शेयर की जाए। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया, अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, वीडियो को शेयर करें दोस्तों के साथ, ताकि उनको मालूम पड़े और वो ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। और चेक करने के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, आप उस वीडियो को देखें और पूरा चेक कर सकते हैं। तो चलिए फिर मिलेंगे इस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।